हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिशन गणित कक्षा 9 की जो कार्य पत्रिका है रेखाएं और कोण के योगिम के बारे में। 14/8/2023 आज की डेट है। मित्रों, आज हम कोण के रेखिकीय योगिम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, परंतु रेखिकीय योगिम के पूर्व हमारे मित्रों अंशन कोण के बारे में हमें बताएगा। देखो, दो ऐसे कोण जो एक ही शीर्ष तथा भुज के अभिनिष्ट होते हैं उन्हीं को बोला जाता है, ठीक है, अंशनान कोण। क्या बोला जाता है? अंशनान कोण, जैसे एंगल वन और एंगल टू। बट अगर यही दोनों कोणों का योग कितना हो जाए, 180 हो जाए, तो यही कहलाता है रेखिकीय योगिम, ठीक है। अब आप देखो, 180 डिग्री अगर हो जाएगा तो यही कहलाएगा रेखिकीय योगिम। कहने का मतलब ये, एक लाइन ऐसी बनी हो, यहाँ मान लो 105 डिग्री है और यहाँ पर 75 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? रेखिकीय योगिम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 180 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। आप देखेंगे निम्न में से आकृतियों को क्या है रेखिकीय योगिम को पहचान कर सही विकल्प को गोला करें। आप देखोगे ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, पर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि 105 प्लस 75 करोगे 180 आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।